और आगे सुनिए, घर की बहू और बेटियां महफूज जब नहीं, ए राम भक्तो बोलो यही रामराज है। जो गया है ये देखने के लायक है। आज दिलीप घोष सोचता होगा कि पांव टूट गया, भांगा पांव ते खेलावे, बांग्ला में कहावत है कि भांगा पांव ते खेलावे, और दीदी ने जो स्लोगन निकला खेला होवे ये खेला होगा। अब बंगाल का आवाम दिखला देगा कि खेला होवे किसका नाम है। आपके मीडिया जब उन लोग जब आ रहे थे वापस, तुमसे पूछा गया कि आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं, अभी मोदी भाषण दे रहा है, तो बोले हमको नहीं मालूम। क्यों बोला हमको नहीं मालूम? आज जाइए नंदीग्राम में, उसको जमाना जब्त होगा, जमाना जब्त होगा। वो है ममता बनर्जी। और उसके खिलाफ हर दिन कुछ ना कुछ लिखता हूँ। किसके खिलाफ? मोदी के खिलाफ। इतना क्या बुरा किया मोदी? बिल्कुल, हर वक्त दंगा फसाद उसी के वजह से हो रहा है। और उसके जितने चट्टे बट्टे हैं, अमित शाह बोलिए, योगी नाथ बोलिए, गृह मंत्री हैं अमित शाह, चट्टे बट्टे आप बोल रहे हैं, जो जैसा करते उसको तो बोलिए आप। मेरा बाप रहे उसका गलत करे, मेरा बाप को नहीं बोलेंगे, मेरा बाप को ही बोलेंगे, मेरा बाप को ही बोलूँगा गलत है, समझे? सुनिए, मैंने उसके खिलाफ कई कलाम लिखा है और उसमें से दो चार शेर आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। पागल है बददिमाग है जो बदमिजाज है, पागल है बददिमाग है जो बदमिजाज है, सर पर उसी के देखिए भारत का ताज है। और आगे सुनिए, घर की बहू और बेटियां महफूज जब नहीं, ए राम भक्तो बोलो यही रामराज है। क्या बात है? बस इतना कहने से मेरा मकसद पूरा होता है और समझने वाले समझ जाएंगे। ममता के लिए आपने नहीं कुछ लिखा? ममता के लिए देखिए, अगर उसके अगेंस्ट में होता तो लिखता। नहीं, ममता के लिए आपने कुछ अच्छा के लिए नहीं लिखा? ममता ने क्या काम किया? ममता के लिए मैंने नहीं लिखा। अच्छा, चलिए, आपने नहीं लिखा, क्या कब से लिखते हैं आप? क्या है आपका पेशा? क्या है? मेरा सुनिए, मेरा ऑक्यूपेशन बिजनेस है और मैं पार्ट टाइम में, मेरा हॉबी है, मैं कुछ ना कुछ लिखता हूँ, आज से नहीं बरसों से लिख रहा हूँ, कम से कम 17-18 साल। क्यों पता है ना, सरकार के खिलाफ बोलना भी जो है गुनाह है, आपको ये चीज़ पता है ना कि जेल में डाले जाते हैं लोग जब बोला जाता है। सुनिए ना, अगर जेल में डालेगा, सुनिए, हक बात बोलने से अगर से कोई कुछ बुरा लगता है तो लगे, हमको कोई परवाह नहीं है। फिलहाल आप लिखते हैं और मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ममता दीदी ने क्या क्या काम किया? बहुत सारे काम किए, कन्याश्री वगैरह, आज जो भी है स्वास्थ्य साथी, इसके अलावा बहुत सारे काम उन्होंने किया है और आज भी लोग उसको फेवर करते हैं, अच्छे काम किए। 294 विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ पर चुनाव होने हैं बंगाल में, और जो कि बोला जाता है कि यहाँ पर ममता को ममता बनर्जी ना बोल करके ममता दीदी कहते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? हमारा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है, मैं इसी मोहल्ला में रहता हूँ, मोती हिल में, इंटाली हल्का, शुमाली कोलकाता असेंबली 163 से। हमारे यहाँ जो दीदी ने जिस तरह का काम किया है बंगाल में, उसके अलावा और कोई शख्स ना मोदी ना दिलीप घोष, इसके सिवा ये लोग कोई नहीं आएगा, उसके आगे कोई नहीं है, ममता के आगे कोई नहीं है। आज भी ममता पांव टूटने के बाद भी आज जो मिचिल निकाली है, आज लोग उसके पीछे जो गया है ये देखने के लायक है। आज दिलीप घोष सोचता होगा कि पांव टूट गया, भांगा पांव ते खेलावे, बांग्ला में कहावत है कि भांगा पांव ते खेलावे, और दीदी ने जो स्लोगन निकला खेला होवे ये खेला होगा। अब बंगाल का आवाम दिखला देगा कि खेला होवे किसका नाम है। अमित शाह की भी रैली निकल रही है, अमित शाह आज रैली कर रहे हैं कुछ जगहों पर, क्या कहेंगे? रैली में वो लोग काफी भीड़ इकट्ठा होती है। देखिए, इससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री आए थे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, लेकिन जब ड्रोन से जब दिखाया गया है तो कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर बैठे हुए, तो वो क्या बोले,
कि नहीं हम लोग कोरोना के वजह से हम लोग ने डिस्टेंस बनाया, लेकिन हकीकत में है कि ज़्यादातर लोग बिहार से आए हुए थे कोरोना के वक्त, जब लोग बेहाल थे, जो विदेश में प्रदेश में पड़े हुए थे बंगाल के लोग, उस वक्त हमारा दीदी ने बोला था, कहा था कि आप ट्रेन दीजिए, हम अपने लोग को ले लूँगा, लेकिन ट्रेन उस वक्त मोदी को ट्रेन नहीं मिला, ट्रेन नहीं छोड़ा, लेकिन अपना मीटिंग में शामिल करने के लिए लाखों से लाखों का लाखों लोग को भेजने के लिए ट्रेन दिया गया और भीड़ दिखाने के लिए। आज जब लोग आपके कैमरामैन, आपके मीडिया, जब उन लोग जब आ रहे थे वापस, तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं, अभी मोदी भाषण दे रहा है, तो बोले हमको नहीं मालूम, क्यों बोला हमको नहीं मालूम। तो ज़्यादातर हिंदी बोलने वाले थे, बंगाल के लोग बहुत कम थे, और आज दीदी के इसमें बंगाल के लोग ज़्यादा है, प्रदेश के लोग बहुत कम है। आज कहीं भी जाइए, दीदी जब आज चलती है रास्ता में, तो इसके इर्द गिर्द जिस तरह भी मेरे पीछे खड़े हैं, तो दीदी के तरह दीदी के भी पीछे इर्द गिर्द लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज आज कोई भी बंगाल में कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो लोगों के साथ आपसे हमारा सामना सामनी होकर मिल के बात करती है, जिस तरह ममता बनर्जी मिल के बात करती है। आज तक कोई भी, हम लोग होश संभाले, आज तक कोई भी मुख्यमंत्री, हाँ एक वक्त इसी मोहल्ले में हमारे पुराने जो थे, एक जो गुजर चुके हैं सिद्धार्थ शंकर राय, जो हम लोग तो छोटे थे शायद नहीं सुने, लेकिन वो इसी मोहल्ले में आए थे, और दीदी भी इसी मोहल्ले में आए थे। जिस वक्त यहाँ पे हादसा हुआ था एक, तो दीदी यहाँ पे भी दो बार आई और लोगों के साथ मिलकर गई है। दीदी का यही चीज़ आज उसको सबसे आगे मुकाम पर पहुँचा कर रखा है, उसको उसके सिवा और कोई नहीं बंगाल में। दीदी के जितने भी लोग हैं, आज जो लोग शुभिंदु गए, आज शुभिंदु को देखिए ना, शुभिंदु जो गया, शुभिंदु को बनाया कौन? ममता बनर्जी। आज जितने भी MLA है उसको बनाया कौन? ममता की पहचान है, जो ममता की वजह से आज शुभिंदु को, आज शुभिंदु को कितना पोजीशन दिया गया था, आज वो क्या किया लोगों के लिए, क्या किया? आज नंदीग्राम में क्या किया? आज जाइए नंदीग्राम में, उसको जमाना जब्त होगा, जमाना जब्त होगा। ममता बनर्जी जमाना जब्त होगा, तो बीजेपी जो जोर लगा रही है उसका नुकसान नहीं होगा? बीजेपी बंगाल में, बीजेपी का कोई वैल्यू नहीं है। बंगाल के आवाम, हिंदू हो या मुसलमान, एक ही है पहचान, वो है ममता बनर्जी। लेकिन क्या बीजेपी के आने से ममता बनर्जी भी जो है इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है, आपको लगता है? 2011 हुआ था ना, 2011, अब 21 में 221 होगा, ये ममता बनर्जी का लक्ष्य, और इंशाल्लाह ये बंगाल का आवाम 221, 21 जुलाई 2021 और 2021 इलेक्शन, और सीट भी ममता बनर्जी का 221 होगा। लेकिन बीजेपी जो घायल होने की बात कही आपने, पैर टूटने की बात कही, तो बीजेपी तो कह रही है कि ये गलत आरोप लगा रही है हमारे ऊपर। ममता क्या बोले? गलत आरोप लगा रही बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी के लोग थे वहाँ पे, ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी ऐसा, ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अपना फायदा लेने के लिए वो जो है दिखा रही है कि अस्पताल। आज बता दिए हिंदुस्तान में, ममता बनर्जी का तरह हॉनेस्ट हॉनेस्ट मिनिस्टर दिखला दिया आप, एक भी मिसाल पेश कर दिया आप, तो मीडिया है, मीडिया वाले, आप ममता बनर्जी का तरह हॉनेस्ट मिनिस्टर बता दीजिए, वो झूठ नहीं बोलती, वो जो बोलती है करती है, और जो करती है वो कर दिखाती है। देखिए क्या माहौल है यहाँ पर, देखिए ये बच्चे एक कांधे पर बैठ बैठ करके लोग सुन रहे हैं, और ममता दीदी यार कुछ नहीं, ममता दीदी कुछ करना ही नहीं है, ममता दीदी बच्चों को देखिए, बच्चे देख रहे हैं, क्या आप लोग कुछ पता है? ममता दीदी, मोदी जी, किसी को पसंद करते हैं? मोदी जी को, ममता को? ममता ममता क्यों? मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है? नहीं नहीं, दुश्मन है सबका, दुश्मन देश का दुश्मन। तो फिलहाल आप इनसे भी जानते हैं जो आप कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहता हूँ, इंडिया इज ग्रेट, ममता इज बेस्ट, ममता इज बेस्ट। आप ये जो लगाए हैं कहाँ से आ रहे हैं? ये हम मजदूर हैं, हम काम करके आ रहे हैं, मजदूर है, काम करके आए हैं। लेकिन आप लोगों के लिए क्या किया ममता दीदी ने? बहुत कुछ किया, हमारे लोग बहुत कुछ किया है ममता दीदी ने। जैसे कि देखिए, जमहूरत है हमारा हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान सब मिल बांट कर रहे थे, खास करके बंगाल पे, यहाँ पे कोई दुर्गा विधानसभा क्षेत्र ये इंटाली इंटाली एक इंटाली विधानसभा क्षेत्र का है ना, तो यहाँ पर क्या ममता दीदी यहीं पर आएगी या पूरे पूरे बंगाल में? पूरे बंगाल में आएगी, पूरे बंगाल में ममता दीदी आएगी।
पूरे बंगाल में इस बार लग रहा है कि फिर से ममता की सरकार बनेगी, इनका ये कहना है। और बाकी और लोगों से भी जानते हैं हम, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर इंटेली विधानसभा क्षेत्र में जो यहाँ का जो हाल है, किस तरीके से राजनीति बदल रही है या नहीं बदल रही है वो उसको आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी तक जो है अपना जोर लगा रहे हैं कि किस तरह से ममता को हराएंगे। हम लोग को महामाटी मानू चाहिए, उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, महामाटी क्या? महामाटू मानूस। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ममता बनर्जी हम लोग को चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए? नहीं, हम लोग कुछ नहीं चाहिए। क्यों? तो सब कुछ तो खत्म कर दिया। तो केंद्र में तो आप लोगों ने सरकार बना दिया है मोदी जी की। केंद्र में मोदी जी की तो सरकार है। आए दिन गैस का दाम बढ़ते जा रहा है, आए दिन गैस का दाम बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है। ये क्या हो रहा है? महंगाई इतना बढ़ रहा है कि आसमान छू रहा है। महंगाई इतना बढ़ रहा है कि आसमान छूते है। गरीब तो गरीब होते जा रहा है, रईस होते जा रहा है। महंगाई बढ़ाते हैं आप लोग, आई के लिए महंगाई बढ़ाते है। अरे गरीब आदमी के लिए उसके बाद में सोचने पड़ता है। मजदूर लोग खटता है तो उसको खाना नहीं मिलता है। ठीक है, मजदूर लोग हाँ, ये बच्चे हैं, आप बच्चे पढ़ते हो ना तुम? हाँ। बात कर। हाँ। पढ़ते हो तो ममता दीदी यहाँ पसंद है आपको या मोदी जी काम कर रहे हैं बढ़िया? कौन जीतेगा? दीदी जीतेगा ना, जोर से बोल। सुना है आपने ममता दीदी का नाम? चलिए ठीक है, बच्चे हैं, खैर इनको इतनी जानकारी नहीं है। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों का क्या कहना है, और इसी तरह से देखते रहिए फोरमपुर। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरमपुर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।